वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन क्लास विद गरिमा बत्रा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक MLB छिंदवाड़ा। एंड अवर टुडेज टॉपिक इज नोट मेकिंग। आज हम नोट मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी राइटिंग स्किल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। सो लेट अस सी व्हाट इज नोट मेकिंग। हम देखते हैं कि नोट मेकिंग क्या होती है। नोट मेकिंग इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ राइटिंग। लेखन कार्य का प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद है नोट बनाना। इट इज एन आर्ट एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल। यह एक कला है और इसको लिखने के लिए हमें थोड़ी सी दक्षता की आवश्यकता होती है। नोट्स प्रेजेंट बिग चंक्स ऑफ नॉलेज इन ए नीट एंड ब्रीफ फॉर्म। जो नोट्स होते हैं वो आपके सामने नॉलेज के बड़े बड़े टुकड़े लाते हैं, वो भी साफ सुथरे और संक्षिप्त रूप में। अ गुड राइटर, वेदर ही इज राइटिंग अ स्टोरी और एन एसे, प्रिपेयरिंग अ लेक्चर, हैज टू नोट डाउन द रैम्बलिंग आइडियाज दैट कम टू हिज माइंड एंड लेटर ऑन अरेंज देम एंड डेवलप देम इन फुल। एक अच्छा लेखक, चाहे वह कहानी लिख रहा हो या निबंध या भाषण की तैयारी कर रहा हो, उसे दिमाग में आने वाले विभिन्न प्रकार के सभी विचारों को लिखना पड़ता है और फिर उसके बाद उन लिखे हुए विचारों को व्यवस्थित करके उनका विस्तार किया जाता है। We are, however, dealing with making notes by a subordinate of what his superior officer tells him, or making notes of a lecture delivered by a great leader or orator. हम हालांकि यहाँ पर एक अधिकारी द्वारा उसके अधीनस्थ को बताए जाने वाले नोट बनाने पर या किसी बड़े वक्ता या नेता के द्वारा दिए जाने वाले लेक्चर या भाषण के ऊपर नोट्स बनाना देखेंगे। We are also dealing with making notes or making a summary of a lecture or a news item given in details. हम भाषण पर नोट बनाने के अलावा भाषणों का संक्षेपीकरण या समाचार के विवरण का संक्षेपीकरण करना भी देखेंगे। You cannot read your lessons again and again without being bored. जब आपको एक पूरा पाठ आपकी किताब में से पढ़ना पड़ता है तो बार बार उसे पढ़ने पर जब आपको उसे याद करना पड़ता है तो ये काम बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। Moreover, it is time consuming. साथ ही साथ आप जब उसी लेसन को, इतने बड़े लेसन को बार बार पढ़ते हो तो आपका बहुत सारा टाइम उसमें लग जाता है। You are saved from monotony or second or and third reading. अगर आप नोट्स बनाकर पढ़ते हो तो आपको एक्स्ट्रा जो भी चीजें पढ़नी पड़ती हैं वो नहीं पढ़नी पड़ेंगी जो लेसन पढ़ने में पढ़नी पड़ती है। इसके अलावा आप एक रास्ता से या एक ही एक तरह से पढ़ने से बोर हो जाते हो, उस बोरियत से आप बच जाते हो अगर आप नोट्स बना लेते हो, और उसी पाठ को दूसरी, तीसरी, चौथी बार पढ़ने से भी बच जाते हो। इफ यू हैव मेड नोट्स ऑन वेरियस चैप्टर्स, कब यदि आपने अब अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर अपने नोट्स बना लिए हैं। बुक्स आर इन योर हैंड्स इन देयर मिनी फॉर्म, और नोट्स के रूप में आपकी किताबें अपने छोटे रूप में आपके हाथ में होती हैं। बस आपको क्या करना है, टर्न द पेजेस, स्कैन द नोट्स, मेड द होल चैप्टर फ्रेशेस बिफोर योर आईज एंड यू रिमेम्बर व्हाट यू हैव रीड लॉन्ग एगो। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने नोट्स के पन्ने पलटने हैं, एक बार नोट्स को देखना है, अपनी नजरों से गुजारना है। इसके बाद क्या होगा, पूरा का पूरा चैप्टर आपकी आंखों के आगे से गुजर जाएगा और आपको याद आ जाएगा। आपने साल के शुरू में भी कुछ अगर पढ़ा होगा तो वो भी आपको आखिरी तक याद आ जाएगा। नोट्स आर अ गाइडिंग डिवाइस एंड यू कैन पेन देम डाउन इन योर ओन लैंग्वेज टू बी इजीली फॉलोड एंड अंडरस्टूड। नोट्स आपको गाइड करते हैं और आप उनको अपनी खुद की भाषा में लिख लेते हो। जब आप किताब में से पढ़ते हो तो आप किताबी भाषा पढ़ते हो, लेकिन जब आप नोट्स बनाते हो तो आप उन्हीं किताबी भाषा को अपनी भाषा में लिख लेते हो, जो कि बहुत आसानी से आप पढ़ भी सकते हो और आपकी समझ में भी आ जाता है और आप उनको दोहरा भी सकते हो। तो ये छात्रों के लिए नोट्स बनाना बहुत ही उपयोगी है। उनके अलावा और किन के लिए उपयोगी है, न्यूज रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट व्हाइल विजिटिंग एंड कलेक्टिंग न्यूज डोंट राइट इन डिटेल, ऑन द कंट्ररी दे मेक नोट्स। जो न्यूज रिपोर्टर्स होते हैं या जो जर्नलिस्ट होते हैं, जब भी किसी घटना स्थल पर जाते हैं तो वो डिटेल में अपनी नोट्स नहीं बनाते, बल्कि वे नोट्स बना लेते हैं छोटे छोटे। आफ्टर रीचिंग बैक टू देयर ऑफिस दे डिटेल इट,
और जब वो अपने ऑफिस में वापस पहुंचते हैं तो वो उन्हीं नोट्स को डिटेल कर लेते हैं और इस तरह से विस्तार करके हम जो न्यूज न्यूज़पेपर में देखते हैं वो वही नोट्स का डिटेल की हुई न्यूज होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नोट्स हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। एंड हियर इज द मार्किंग स्कीम और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, किसका वेटेज किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स होते हैं, ए और बी, और कई बार सिर्फ एक ही पार्ट आता है। तो ये जो ए पार्ट है उसमें आता है मेक नोट्स एंड गिव सूटेबल टाइटल। तो नोट बनाना है और उसमें आपको टाइटल देना है। नोट बनाने के ऊपर 3 मार्क्स होते हैं, टाइटल के ऊपर 1 मार्क होता है, और बी सेक्शन कई बार दिया रहता है उसमें। तो बी पार्ट में होता है राइट द समरी ऑफ द गिवन पैसेज, तो समरी के 3 मार्क्स होते हैं। इस तरह से टोटल 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, जो कि बच्चों आपके लिए स्कोर करना बहुत ही आसान होता है। तो आई होप कि ऑल ऑफ यू वुड डेफिनेटली गो फॉर इट एंड लर्न हाउ टू स्कोर मार्क्स इन द एग्जाम। नोट्स बनाने के पहले हमें कुछ विशेषताओं का भी ध्यान रखना होता है। तो वो विशेषताएं क्या होती हैं? पहली चीज, दे आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। नोट्स जो होते हैं वो संक्षिप्त होते हैं और सटीक होते हैं। सेकेंड, दे कंटेन ओनली द रेलेवेंट फैक्ट्स, वो सिर्फ संबद्ध तथ्य ही होते हैं, असंबद्ध या जो बेकार की चीजें होती हैं जो हमारे काम की नहीं होती वो नोट्स में नहीं होनी चाहिए। तीसरा, वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर एम्प्लॉयड, शब्दों और पदों का प्रयोग किया जाता है। फुल सेंटेंसेस आर नॉट नीडेड, पूरे वाक्यों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, और क्योंकि हम पूरे वाक्य नहीं लिखते तो ग्रामर एंड स्टाइल आर नॉट बॉदर्ड, तो इसमें व्याकरण व शैली की चिंता नहीं की जाती। ग्रामेटिकली वो सेंटेंसेस करेक्ट होने जरूरी नहीं है। इंफॉर्मेशन इज लॉजिकली प्रेजेंटेड अंडर रेलिवेंट हेडलाइंस एंड सब हेडिंग्स, उचित शीर्षकों और उप शीर्षकों में तर्क संगत तरीके से प्रस्तुतिकरण किया जाता है। एंड फिफ्थ वन इज एब्रीवेशंस एंड सिंबल्स आर लेविशली यूज्ड फॉर इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों के संक्षिप्त रूप होते हैं या उनके प्रतीक चिन्ह होते हैं उनका विस्तार पूर्वक उपयोग किया जाता है ताकि शब्दों का उपयोग कम से कम किया जा सके। तो ये जो लक्षण होते हैं ये एक अच्छे नोट्स के होते हैं और ये हमें भी नोट्स बनाते समय इनका ध्यान रखना है। और अब हम आते हैं हाउ टू मेक नोट्स, नोट्स को कैसे बनाएं। फर्स्ट, रीड द पैसेज केयरफुली, सबसे पहले पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो। सेकेंड, हेडिंग, हेडिंग देने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यह देखना है कि पैसेज का मुख्य आइडिया क्या है। दूसरा, पैसेज का हेडिंग उसके केंद्रीय भाव के अनुसार देना है, मतलब जो केंद्रीय भाव है जिस मुख्य विचार के ऊपर वो पूरा का पूरा पैसेज लिखा गया है उसी के हिसाब से हमें हेडिंग देनी पड़ती है। तीसरा, इसे पृष्ठ के मध्य में लिखते हैं, राइट इट इन द मिडिल ऑफ द लाइन, जो पृष्ठ के मध्य में, ताकि इसको इम्पोर्टेंस दी जा सके, साथ ही इसे बड़े और बोल्ड अक्षरों में लिखा जाता है। नेक्स्ट है सब हेडिंग, तो सब हेडिंग के लिए यह देखिए कि मेन आइडिया को या मुख्य विचार को किस तरह से प्रस्तुत किया गया है और डेवलप किया गया है, अर्थात उसका विकास किया गया है। क्या 2-3 और उप विचारधाराएं हैं, यह भी हमें देखना आवश्यक है। इसके बाद आप उप शीर्षक उनके आधार पर बना सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, क्या कुछ और विवरण या बिंदु हैं जिन्हें आप नोट में रखना चाहते हो, ये पॉइंट्स यानी कि बिंदु कहलाते हैं, और पॉइंट्स के भी भाग होते हैं जो कि हम आगे इसका जब हम फॉर्मेट देखेंगे तब समझेंगे। फिफ्थ, सभी सब हेडिंग्स को मार्जिन से समान दूरी पर लिख रखना होता है। फिर इंडेंटिंग पॉइंट्स को भी मार्जिन से दूरी समान होनी चाहिए, मतलब जहां पर आपने पहला पॉइंट लिखना शुरू किया है उसी के नीचे से दूसरा पॉइंट, उसी के नीचे से तीसरा पॉइंट, ताकि उसमें एक रूपता दिखे। और पूरे वाक्य इसमें नहीं लिखे जाते, डोंट राइट फुल सेंटेंसेस। इसके अलावा इनमें एब्रीवेशंस का भी प्रयोग किया जाता। और अब हम देखते हैं, ये एक फॉर्मेट है जो कि एक नोट मेकिंग नोट का सही फॉर्मेट होता है और इसी के हिसाब से हमें नोट बनाने होते हैं। अगर आपने इस तरीके से इस फॉर्मेट में अपने नोट्स बनाए हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या आपका पैसेज 2 या 3 भागों में है या उसमें एक ही विचार के 2 या 3 उप विचार है। जैसे इसका एक उदाहरण हम आपके
आगे इसी वीडियो में दिया हुआ है। तो जिन जिन विचारों के ऊपर वो पैसेज आधारित है या उसमें अगर दो या तीन पैराग्राफ्स हैं, तो हर एक पैराग्राफ की अलग अलग सब हेडिंग होगी। जैसे कि ये मान लीजिए हमारे पैसेज में ये पहला पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को हमने एक सब हेडिंग दी। इसके बाद उसी के नीचे थोड़ा सा मार्जिन से दूरी पर हमने लिखा है 1.1। 1.1 का अर्थ हुआ पहले पैराग्राफ की पहली लाइन, उसके दो या तीन महत्वपूर्ण शब्द जो कीवर्ड्स होते हैं वो हम यहाँ पर पॉइंट्स के रूप में लिख लेते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि हमें हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, वाज, वेयर, प्रपोजिशंस ऑफ, ऑन, अपॉन, इनटू, इन सब चीजों को आमतौर पे हम ओमिट कर देते हैं, मतलब इन्हें हम पॉइंट्स में नहीं लिखते। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं हम सिर्फ उन्हें लिखते हैं। इसके बाद 1.1 के बिल्कुल ठीक नीचे हमने 1.2 लिखा है, मतलब पहले पैराग्राफ की दूसरी लाइन, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके पश्चात 1.3 पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमें यह ध्यान रखना है कि पॉइंट्स बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसके बाद मैंने पॉइंट्स के 1.3 के नीचे 1.3.1 थोड़ा सा पीछे लिखा हुआ है, वो सब पॉइंट है। मान लीजिए पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन में और सब पॉइंट बनते हैं, तो वो हम इस प्रकार से पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन का पहला पॉइंट, और इस तरह से हम उसको सब पॉइंट करके लिख लेते हैं। उसी के नीचे अगर और है उसमें, तो 1.3.2 करके पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन की दूसरी लाइन, उसके सब पॉइंट लिख लेते हैं। इसके बाद हमने पहली सब हेडिंग के ठीक लाइन में नीचे दूसरी सब हेडिंग, मतलब मार्जिन से समान दूरी रखते हुए लिखी है। यह सब हेडिंग आपके पैसेज की जो दूसरा पैराग्राफ है उसकी हमें सब हेडिंग देनी है, जो कि हमें ये देखना है कि वो पैराग्राफ किस विचार पर आधारित है। और इस सब हेडिंग के नीचे हमने थोड़ा सा पीछे की तरफ 2.1 लिखा है, मतलब दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन और उसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स। उसी के नीचे हमने 2.2 लिखा है, अर्थात दूसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन। इसके बाद यदि और तीसरा भी पैराग्राफ है तो हम उसको तीसरी सब हेडिंग देंगे। इस तरीके से इस फॉर्मेट में नोट का विस्तार किया जाता है। ये हमारा तीसरा पैराग्राफ है। यदि हमारे पैसेज में तीन पैराग्राफ्स हैं तो ये तीसरा पैराग्राफ है, या अगर उसी पैराग्राफ में दूसरी विचारधारा है तो उसके आधार पर हम तीसरी सब हेडिंग लिखेंगे। और 3.1 अर्थात तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके नीचे ठीक नीचे 3.2 तीसरे पैराग्राफ की दूसरी लाइन और उसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस तरह से जब हमारी नोट मेकिंग पूरी हो जाती है, आखिरी में हम लिखते हैं टाइटल या मेन सब हेडिंग, मेन हेडिंग। तो इस मेन हेडिंग में हमें यह ध्यान रखना है कि उसमें पहली, दूसरी और तीसरी सब हेडिंग का भी समावेश किया जा सकता है, और उन्हीं के आधार पर हम अपना टाइटल निर्धारित करते हैं। मान लीजिए आपका पैराग्राफ वनों के ऊपर है, तो पहले पैराग्राफ में यदि उस पैसेज के वनों का वर्णन दिया गया है तो पहली सब हेडिंग क्या आ सकती है हमारी, द फॉरेस्ट। दूसरी पैराग्राफ में यदि ये दिया गया है कि वनों के प्रकार है तो दूसरी सब हेडिंग आ जाएगी, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। और यदि तीसरे पैराग्राफ में हमें वनों के लाभ हैं तो इसमें हम लिख सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट। तब हमारा टाइटल क्या आ जाएगा, फॉरेस्ट एंड इट्स बेनिफिट्स, या फॉरेस्ट इट्स टाइप्स एंड बेनिफिट्स। इस तरीके से हम टाइटल का निर्माण करते हैं। इसका हम आगे एक उदाहरण भी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे एब्रीविएशंस। मैं विद्यार्थियों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि एब्रीविएशंस नोट मेकिंग में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि यदि शब्दों की इकोनॉमी रखनी है, हमें शब्द कम से कम रखने हैं नोट मेकिंग में। क्योंकि यदि आपने शब्द बहुत ज्यादा रखे तो वो नोट्स कहाँ हुए, वो तो आपके पूरा का पूरा लेसन हो गया। तो हमें ये याद रखना है कि एब्रीविएशंस का प्रयोग जरूर करना है। तो एब्रीविएशन क्या होते हैं, वो शब्दों के शॉर्ट फॉर्म होते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म हम उसके कैसे बना सकते हैं, तो आइए हम देखते हैं डिफरेंट वेज टू एब्रीविएट वर्ड्स, वो कौन से हैं। सबसे पहला, फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ADJ करके हमने उस पर डॉट लगा दिया। या एग्जामिनेशन का शुरू के लेटर्स लिए EXAM और उस पर हमने डॉट लगा दिया। इसके बाद दूसरा तरीका होता है फर्स्ट फ्यू और लास्ट का लेटर, मतलब शुरू के कुछ शब्द और आखिरी का एक लेटर, जैसे इंजीनियर।
इंजीनियर में हमने ENG शुरू से लिया और R आखिरी से लिया और उस पर डॉट लगा दिया। इसी तरीके से एसोसिएशन में हमने AS शुरू के 3 लेटर्स लिए और आखिरी का N ले लिया। इस तरह से हम इसका शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। तीसरा तरीका है फर्स्ट प्लस लास्ट लेटर, मतलब पहला शब्द लिया एक और आखिरी का एक शब्द लेकर हमने इसे बना दिया। जैसे DR डॉक्टर, DOCTOR डॉक्टर, और टीचर का TR। चौथा है कटिंग ऑल या मोस्ट ऑफ द वॉल्स, जितने भी वॉल्स होते हैं उनको हम या तो सभी वॉल्स को काट देते हैं या ज्यादातर वॉल्स को काट देते हैं। जैसे लर्नर, LEARNER में से हमने E और A हटा दिया है तो ये बचा LRNR। इस तरीके से भी हम शॉर्ट फॉर्म या एब्रीविएशन बना सकते हैं। नेक्स्ट इज रीट्यूनिंग ओनली प्रोमिनेंट लेटर्स, जो इंपॉर्टेंट लेटर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को लेकर और एब्रीविएशन बनाना। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडमार्क, तो ट्रेड का T और मार्क का M, TM। नेक्स्ट है फॉर योर पर्सनल यूज, यू कैन यूज योर ओन एब्रीविएशन, आप अपने लिए अपने खुद के भी एब्रीविएशन बना सकते हो। मतलब अगर आपको कोई वर्ड बड़ा लग रहा है तो आप उसका छोटा एब्रीविएशन खुद भी बना सकते हो, बट दे मस्ट बी क्लियर इनफ टू अंडरस्टैंड इजीली। आपको ये ध्यान रखना है कि वो इतने क्लियर हो कि वो आसानी से समझ में आ सके। और लास्ट है स्टैंडर्ड एब्रीविएशन, कुछ एब्रीविएशन ऐसे होते हैं जो कि यूज में आते हैं और जिनके बारे में सबको पता होता है। फॉर एग्जाम्पल IE, इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज। EG का अर्थ होता है फॉर एग्जाम्पल, परसेंटेज का सिंबल यूज किया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के भी सिंबल यूज किए जाते हैं, प्लस VE और माइनस VE। एंड लास्टली गवर्नमेंट को GOVT करके हम लिखते हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एब्रीविएशन होते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं तो आपकी नोट मेकिंग के और टाइटल लिखने के बाद आपको लास्ट में उन एब्रीविएशन का फुल फॉर्म लिखना है उस पॉइंट के साथ जिस पॉइंट पे वो लिखे हैं। जैसे कि यदि आपने 2.1 में कोई एब्रीविएशन उपयोग किया है तो आप एब्रीविएशन फुल फॉर्म लिख के उसके नीचे 2.1 लिखिए, 2.1 के सामने आप लिखो कि आपने क्या एब्रीविएशन यूज किया है और उसके आगे उसका फुल फॉर्म लिखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो कि सभी बच्चों को जरूर करनी है और ये आपको मार्क्स स्कोर करने में भी बहुत हेल्प करता है। और अब ये क्लास 10th की टेक्स्ट बुक द ब्लॉसम्स के पेज नंबर 112 पर आपके लिए एग्जाम्पल के लिए एक पैसेज दिया हुआ है और इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये है स्टडी द पैसेज एंड द नोट्स बेस्ड ऑन इट। यहाँ से आपका पैसेज स्टार्ट हो रहा है। सिंस टाइम बिगेन द नेचुरल ब्रॉड लीव्ड मिक्स्ड फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयाज हैव प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ दैट रीजन। जब से समय शुरू हुआ है, मतलब पता नहीं कब से, द नेचुरल प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ब्रॉड लीव्ड चौड़ी पत्ती वाले मिश्रित वन हिमालय के लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। इनफैक्ट द फॉरेस्ट आर फाउंडेशन ऑफ द होल इकोनॉमी ऑफ द हिल विलेजेस। जो जंगल होते हैं वास्तव में वो पहाड़ी गांव के जो आर्थिक स्थिति होती है उसकी आधारशिला का काम करते हैं। ग्रीन लीव्स एंड ग्रास फॉर एग्जाम्पल प्रोवाइड फॉडर फॉर द एनिमल्स हुज डंग इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर। उदाहरण के लिए हरी पत्तियां और घास जो पाई जाती हैं वो फॉडर यानी चारे का काम करती हैं उन जानवरों के लिए जिनके मल का उपयोग फर्टिलाइजर के या उर्वरक के रूप में या खाद के रूप में किया जाता है। Dry twigs and branches are the only source of domestic cooking fuel. सूखी हुई टहनियां और शाखाएं पेड़ों की वो उनके घरेलू खाना बनाने के जो ईंधन है उसका एकमात्र स्रोत है। मतलब लोग घरों में जो खाना बनाते हैं उसके लिए वो सूखी हुई टहनियों का और शाखाओं का उपयोग करते हैं। The forests also provide साथ ही साथ जंगल जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में उन लोगों को देते हैं फल, खाने योग्य जो नट्स होते हैं, फाइबर्स एंड हर्ब्स फॉर लोकल कंजम्पशन। जो लोकल लोग होते हैं उनके उपयोग के लिए उसमें हर्ब्स यानी झाड़ियां भी होती हैं जिनसे दवाइयां बनती हैं। द फॉरेस्ट ब्रेक द फ्लो ऑफ द सीजनल रेनफॉल दैट लैशेस द स्लोप्स ऑफ दिस माउंटेन रेंज एवरी ईयर ड्यूरिंग द मॉनसून। फॉरेस्ट जो होते हैं
हर साल मानसून के महीने में मानसून के समय पर जो पहाड़ी एक श्रृंखलाएं होती हैं उनमें मिट्टी जो होती है वहां की वो बहती है, तो उस मिट्टी को रोकने का काम करती हैं, करते हैं ये वन. दिस क्रिएट्स स्प्रिंग्स एंड पेरिनियल स्ट्रीम्स विच आर वाइटल फॉर द माउंटेन पीपल एंड देयर एनिमल्स ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ. गर्मियों के महीनों में पहाड़ के लोगों के लिए और वहां के जानवरों के लिए जो पानी की व्यवस्था होती है, जो वार्षिक पानी की व्यवस्था होती है वो, और स्प्रिंग के महीने में पानी की व्यवस्था करने का काम यही पहाड़ी धाराएं करती हैं. फॉर मेनी इयर्स हाउएवर लार्ज एरियाज ऑफ दीज रिच फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैव बीन डिस्ट्रॉयड. परंतु पिछले काफी सालों से बहुत बड़े क्षेत्रों में जो घने वन थे उनको भी नष्ट किया गया है. फॉर एग्जाम्पल द फॉरेस्ट ऑफ टिहरी गढ़वाल were exploited to supply timber for the expanding railway network in the plain. मैदानी भागों में जो रेलवे नेटवर्क बनाया गया है, जो रेल लाइन पटरियां बिछाई गई हैं, उसके लिए जो लकड़ी की डिमांड है वो टहरी और गढ़वाल के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां के वनों को नष्ट करके लकड़ी की आवश्यकता पूरी की गई है. द पीपल ऑफ टहरी गढ़वाल इन 1930 began a non-cooperation movement called सत्याग्रह फॉर्म ऑफ अ पीसफुल. तो जो टिहरी और गढ़वाल के लोग हैं उन्होंने 1930 में एक अहिंसक सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया था. ये जो दमन करने वाले वनों के कानून है उनमें परिवर्तन करने के लिए और न्याय प्राप्त करने के लिए इसे किया गया था. अब देखिए इसका आपके एग्जाम्पल के लिए एक नोट बनाया गया है. सबसे पहले इसकी हेडिंग दी गई है प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. ये पूरा का पूरा जो पैसेज है ये इस पर आधारित है. इसके बाद हमने फर्स्ट लिखकर दे आर इम्पोर्टेंस, ये पहली सब हेडिंग है. और उसके बाद हम देख सकते हैं 1.1 मतलब पहले पैराग्राफ की पहली लाइन फाउंडेशन का एब्रिविएशन करके FNDTN लिखा है ऑफ इकोनॉमी. 1.2 जो है वो पहले पैराग्राफ की दूसरी लाइन फॉडर फर्टिलाइजर और फ्यूल, ये इम्पोर्टेंट है जो हमें कीवर्ड्स हैं उस लाइन के, क्योंकि हमें वनों से फॉडर फर्टिलाइजर और फ्यूल मिलता है. तो ये जो FDR है ये एब्रिविएशन है फॉडर का. 1.3 है जो पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन है, आप पैसेज में बहुत आसानी से देख सकते हैं. एडिबल्स को शॉर्ट फॉर्म है, इसके वॉल्स काट दिए गए हैं और EDBLS करके लिखा है. फाइबर के भी वॉल्स काट दिए और उसका एब्रिविएशन करके FBRS, और हर्ब्स का भी ई हटा दिया HRBS है. फिर 1.4 STP सॉइल ERS है विच स्टॉप्स सॉइल इरोजन, तो ये भी कीवर्ड्स यूज करके लिखा गया है और एब्रिविएशन के फॉर्म में लिखा है. 1.5 जो है फर्स्ट पैराग्राफ की फिफ्थ लाइन ब्रेक रेनफॉल में, रेनफॉल के पूरे वॉवल्स काट दिए गए हैं, RAIN में ए और आई हटा दिया और फॉल का FAF के बाद का ए हटा दिया और इस तरीके से एब्रिविएशन बनाए. इसी तरीके से आप 1.6 लाइन में भी देख सकते हैं. इसके बाद दूसरा जो पैराग्राफ है इसी पैसेज का वो डिफॉरेस्टेशन के ऊपर आधारित है और उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट बन रहा है कि टिम्बर फॉर रेलवेज जो है वो ले लिया गया है. तो पूरी लाइन लिखने के बजाय उसमें सेकंड सब हेडिंग डिफॉरेस्टेशन करके लिखा गया है और TMBR FR RLWS करके लिखा. इसके बाद तीसरा पैराग्राफ जो है वो प्रोटेस्ट पर आधारित है कि किस तरह से लोगों ने विरोध किया है. तो ये सत्याग्रह का भी एब्रिविएशन करके STYGRH लिख दिया सिंस 1930, ये इस तरह से लिखा हुआ है. तो बच्चों आप लोग इस पैसेज को और इस इन तीनों पैराग्राफ्स को आप अपनी बुक्स में जो 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 112 पर ये पैसेज और इसका ये नोट मेकिंग इस तरह से आप देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं. इससे आपको बहुत मदद मिलेगी आपकी परीक्षा में आपके लिए नोट मेकिंग तैयार करने में. यदि आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो आप आपके व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आपके टीचर्स से जुड़े हुए हैं, आप अपने सब्जेक्ट टीचर से अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, या कोई आपको इसमें डिफिकल्टी हो या कुछ समझ में नहीं आया तो आप वो अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. अपने टीचर से जरूर संपर्क करें. और यहाँ पर मैंने आपके लिए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स इन योर नोटबुक, ये एक पैसेज दिया हुआ है. आपको इस पैसेज का की नोट मेकिंग करनी है और इसका टाइटल भी आपको देना है. तो बच्चों ये पैसेज का बाकी का हिस्सा,
और यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आपको इसको अपनी नोटबुक में नोट करना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है, और इसका आपको पिक्स लेकर आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपके क्लास टीचर को भेजना है व्हाट्सएप ग्रुप में, और उसको चेक करवाना है. तो आई होप ऑल ऑफ यू वुड गेट वेरी गुड मार्क्स इन नोट मेकिंग. ये बहुत ही ईजी है और इसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत ही ईजी है. तो आई होप कि आप लोग जरूर अच्छे मार्क्स लेंगे. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर